2023 लगभग आधा निकल चुका है और 2024 आने को है। अगले साल इस समय तक अगली सरकार के शपथ की तैयारी हो रही होगी या हो चुकी होगी। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस के अलावा तमाम क्षेत्रीय पार्टियां भी अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। इसी बीच बसपा भी अपनी सोशल इंजीनियरिंग को फिट करने में लग गई है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कल पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। बैठक में उन्होंने कहा, कुल मिलाकर वोट हमारा, राज तुम्हारा। मायावती अपनी सोशल इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती हैं, लेकिन साल दर साल बसपा का वोट प्रतिशत गिरता जा रहा है। यूपी में जहां 22% दलित हैं, वहीं बसपा को सिर्फ 13% वोट मिले थे। इससे साफ है कि पार्टी का अपना बेस वोटर भी पार्टी से दूर हो गया है। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा दो ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका अस्तित्व ही जातिगत वोट बैंक पर टिका हुआ है। चुनाव नजदीक देख पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी जहां महागठबंधन के साथ जा सकती है, तो वहीं बीएसपी ने साफ कर दिया कि वो किसी गठबंधन के साथ नहीं जाएगी। लेकिन कभी तिलक तराजू और तलवार का नारा देने वाली बहुजन समाज पार्टी साल 2007 में दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग का सफल प्रयोग कर चुकी है और इस बार लोकसभा चुनाव भी मायावती अकेले लड़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मायावती, जिसको भाजपा का बी टीम कहा जाता है, क्या वो इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने ऊपर लगे इस आरोप को मिटा पाएंगी या फिर से भाजपा के सोशल इंजीनियरिंग के सामने घुटने टेक देंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य खबर के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।